हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट आज बहुत नीचे गया था, 2850 के वापस ऊपर आ गया 900 के ऊपर। सो क्या लग रहा है, मार्केट फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, तो आज के वीडियो में हम सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट का आउटलुक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फेड इंटरेस्ट रेट, यूएस मार्केट, डॉलर और बहुत सारे स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, वॉच इट। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यस, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में मैं चार्ट देता हूँ, बहुत सारे ट्रेड्स मेरे डिस्कस करता हूँ, तो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस मार्केट, क्या लग रहा है, मार्केट क्या लग रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फोर्थ वेव करेक्शन आना पेंडिंग है, एक झटका आएगा, जोर से मार्केट नीचे आएगा। यस, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। तो क्या वो फोर्थ वेव करेक्शन खत्म हो चुका है? मोस्ट प्रोबेबली यस, आज के लो के बाद शायद ये फोर्थ वेव करेक्शन खत्म हो चुका है। सो ये ट्रेंड चैनल देखते थे, देख रहे हो आप, तो ट्रेंड चैनल के ऑलमोस्ट लो को टेस्ट किया मार्केट ने। यस, मार्केट टेस्टेड द ट्रेंड चैनल लो और फिर मार्केट वापस आज ऊपर आया। एक्चुअली अवरली चार्ट पे मैं दिखाता हूँ, प्रॉपर मिलेगा आपको। सो अवरली चार्ट अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट ने ट्रेंड चैनल के आसपास टेस्ट किया है। यस, सो ये देखो फोर्थ वेव में कौन सा पैटर्न बना है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है, एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन। एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन क्या होता है इलियट वेव में? एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन होता है पैटर्न जिसमें मार्केट बी वेव में, पहले मार्केट नीचे आता है ए वेव में, थ्री वेव में, फिर बाद में वापस थ्री वेव में ऊपर जाता है बी वेव में। यस, नया हाई बनाता है, मार्केट नया हाई बनाता है, जो मार्केट ने नया हाई बनाया। यहाँ पे हमारा ए वेव, यहाँ पे फिफ्थ वेव खत्म हुआ था थर्ड का, उसके बाद मार्केट ने नीचे आया था थ्री वेव में और ऊपर जो जा रहे। यहाँ पे देखो लास्ट 5-6 दिन, लास्ट 6 दिसंबर के बाद, 6 दिसंबर के बाद मुझे कहीं भी फाइव वेव सीक्वेंस दिख नहीं रहा। ये सारे के सारे जो वेव थे, और मैं 15 मिनट चार्ट लगा देता हूँ, तो ये सारे के सारे जो वेव्स है वो सारे के सारे वेव्स थ्री वेव्स में आए हुए। ये सारे के सारे, ये बस यहाँ पे एक फाइव वेव्स रैली आया हुआ है, लेकिन सारे के सारे ये वेव्स थ्री वेव्स में आए। तो पॉसिबल है कि ये एक्सपांडेड फ्लैट पैटर्न बनाया है मार्केट ने। थर्ड वेव यहाँ पे खत्म हुआ 8 दिसंबर को, उसके बाद ये आ गया ए वेव नीचे, फिर वापस बी वेव जो ऊपर आया। देखो कल ये जो वेव ऊपर आया ये सिर्फ और सिर्फ तीन वेव में आया है, ये फाइव वेव्स नहीं है। तो अगर ऊपर जाने वाली रैली अगर तीन वेव में आती है और फिर मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये एक्सपांडेड फ्लैट पैटर्न बनाया है और फिर एक शार्प फॉल आता है। शार्प फॉल आया, आज शार्प फॉल आ गया, इंपल्स में आया। यस, ये पांच वेव्स है, 1 2 3 4 5 एक्सपांडेड एक्सपांशन हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंडेड वेव है। यस, और फिर मार्केट ने वापस रैली करना स्टार्ट कर दिया। ये होता है इलियट वेव का एक्सपांडेड फ्लैट पैटर्न। पहले मार्केट आपको ट्रैप करता है नया हाई बना के, फिर वापस मार्केट आपको ट्रैप करता है प्रीवियस लो ब्रेक करके। ये देखो ये जो सारे लोस थे वो सारे लोस ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, लेकिन क्या मार्केट ने क्लोज दिया नीचे? कोई भी ये एक भी लो के नीचे, जो 850-860 का जोन था सपोर्ट, वो तोड़ के मार्केट नीचे गया, लेकिन उतने ही फास्ट मार्केट ऊपर आया है। तो अभी मोस्टली ये एक्सपांडेड फ्लैट में मार्केट ने फोर्थ वेव करेक्शन कंप्लीट कर दिया है। यस, और फिर मार्केट अभी वापस नए हाई पे जाएगा फिफ्थ वेव में। ओके ओके, तो ये व्यू इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है, कब मेरा व्यू गलत जाएगा, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया। तो आइडियली अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फेक आउट है, फेक है, और ये रैली अगर फेक है, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ये मार्केट वापस तोड़ के नीचे जाएगा। तो ये जो ट्रेंड चैनल मैंने लगाया है, ये देखो ये ट्रेंड चैनल मैंने प्लेस किया है, अगर ये ट्रेंड चैनल के नीचे मार्केट चला जाता है तो मेरी एनालिसिस रॉन्ग है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि ये जो रैली आई है वो तीन वेव्स में ही आई, ये जो रैली अभी तक जो आई है उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको आप ए बी सी भी बोल सकते हैं,
उसको एबीसी कब बोलेंगे? जब मार्केट ये ट्रेंड चैनल तोड़ के नीचे जाएगा तो ही उसको एबीसी बोलेंगे। यस, उसको 1 2 3 4 5 कब बोलेंगे? जब 1 2 3 4 5 पैटर्न बनेगा तभी बोल सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, वेव 1 2 और फिर थर्ड वेव बना रहा है। यस, थर्ड वेव अभी है, तो थर्ड वेव, ये थर्ड वेव का इनवैलिडेशन पॉइंट होगा ये ट्रेंड चैनल ब्रेकडाउन। अगर ट्रेंड चैनल ब्रेकडाउन होता है तो पक्का मार्केट नीचे जाएगा, पक्का मार्केट नीचे जाएगा अगर ये ट्रेंड चैनल ब्रेक होता है। तो सिंपल है, ट्रेंड चैनल ब्रेक तो एनालिसिस रॉन्ग है मेरी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर चांसेस नीचे जाने के। जब तक तो ये ट्रेंड चैनल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट के चांसेस है ऊपर जाने के। ओके, मेरे हिसाब से ये फोर्थ वेव खत्म हुआ है और मार्केट ऊपर जाना चाहिए। फिफ्थ वेव में हायर 20,000 to 21,200 300 तक जाना चाहिए, शायद उससे भी ऊपर जाए। नेक्स्ट 5 6 7 8 दिन में 21,500 600 तक भी जा सकता है मार्केट, अगर अगर मार्केट ने कल ब्रेकडाउन नहीं दिया। कल 20,870 के नीचे, ये जो लेवल है 20,870 का, यस 20,870 के नीचे कल अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है मार्केट तो मार्केट ऊपर रैली करेगा। बैंक निफ्टी का क्या चार्ट पर? तो बैंक निफ्टी में देखो, थर्ड वेव में है मार्केट। यस, थर्ड वेव में है बैंक निफ्टी में। निफ्टी का भी डेली चार्ट पे ऑब्वियसली हम लोग थर्ड वेव में है। ओवरऑल ये देखो, ये दिसंबर में टॉप बना था, उसके सितंबर में टॉप बना था, उसके बाद नीचे आया अक्टूबर में, उसके बाद वापस मार्केट थर्ड वेव में जा रहा है। यस, बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। यस, बैंक निफ्टी में भी थर्ड वेव में जा रहा है मार्केट। डेली पे, इंट्राडे पे देखते क्या है, शॉर्ट टर्म क्या लग रहा है। फेड का मीटिंग है, यस कल एक्सपायरी भी है अपना। यस, निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो क्या लग रहा है? बैंक निफ्टी में मोस्टली देखो, ये ट्रेंड चैनल तो ब्रेकडाउन आया नहीं, फोर्थ वेव आज कंप्लीट हुआ है। अगर मार्केट ऊपर जाता है ये लेवल 47,200 से लेके 47,000, ये वाला सब रेजिस्टेंस देख लो, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखो सिंपल रखते हैं हम, अगर बैंक निफ्टी में 47,300 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो चांसेस है वापस फिफ्थ वेव में मार्केट ऊपर जाएगा। 47,300 के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। यस, तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्लियर है? निफ्टी बैंक निफ्टी आज का, अगर ये लो ब्रेक होता है, अगर ये लो ब्रेक होता है सिंपल 47,000 का, तो मार्केट का चांस है वापस थोड़ा, फोर्थ वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे जाएगा। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है अगर ये ब्रेक किया लो, अवरली पे ये लोग ब्रेक किया 47,000 का तो चांसेस है, और 47,300 के ऊपर नए हाई के लिए मार्केट रैली देगा। क्लियर है, सिंपल है निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी हम यूएस मार्केट, यूएस बॉन्ड यील्ड देखते हैं। ओके, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है तो क्या लग रहा है, फेड इंटरेस्ट रेट घटाएगा या फिर स्टेटस को रखेगा कि कुछ भी नहीं, नो हाइक, हाइक तो चांस नहीं है, लेकिन क्या घटाएगा या फिर सेम रखेगा? तो देखो, बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट में क्लियरली ब्रेकडाउन आया है। शॉर्ट टर्म पे देखते, शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखो, यहाँ पे मई से जो रैली आया था उसमें क्लियर ब्रेकडाउन है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते तो देखो, ये 3 साल का लॉन्ग टर्म ट्रेंड चैनल ब्रेकडाउन हुआ है, यानी ओवरऑल अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेरिश हो चुका है यील्ड का, यानी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है और फिर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑलवेज बेटर फॉर इकोनॉमी, बेटर फॉर स्टॉक मार्केट। ओके, तो क्या इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे? चांसेस है, ये देखो यहाँ पे क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, और अगर इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो क्लियरली यहाँ पे देखो इंपल्स में नीचे आ रहा है, 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव चालू है। अभी फिफ्थ वेव में वापस 1 2 3 4 देखो, यहाँ पे ट्रेंड चैनल का रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस नीचे आया है। तो अभी सिंपल है, यील्ड चार्ट आप देख लो, अगर ये ब्रेकडाउन आता है ये वाली लेवल पे 4.17 के आसपास ब्रेकडाउन करके मार्केट वापस नीचे जाता है तो इंटरेस्ट रेट लोअर जाएगा, सो दैट इज गुड फॉर मार्केट। डॉलर क्या कह रहा है? तो डॉलर में देखो, डॉलर में भी डाउन ट्रेंड है, ये देखो क्लियरली, ये 1 और 2। ओके, डेली चार्ट पे दिखाता हूं मैं,
यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था अक्टूबर 2022 से, यहाँ पे वेव 1 2 और वापस अभी क्या हो रहा है, तो दिस इज वेव 1 2 और अभी ये थर्ड, मैं इसको गिन नहीं रहा, थर्ड और फोर्थ नहीं गिन रहा हूं मैं, शायद थर्ड और फोर्थ है या फिर वापस 1 एंड 2 भी हो सकता है। ओके तो लेट्स सी, वन उसको फोर्थ वेव गिनते हैं। तो सिंपल देखो, जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता, प्रीवियस फोर्थ वेव के ऊपर नहीं जाता है, यानी डॉलर नीचे ही जाएगा। यस, तो सिंपल हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। ये लेवल देखो, ये लेवल जब ब्रेक डाउन आएगा डॉलर में वापस, तो डाउन ट्रेंड वापस स्टार्ट होगी। यस, ये जो पुल बैक आ रही है ये सिर्फ करेक्टिव पुल बैक है। तो एक बार डॉलर में यहाँ पे ब्रेक डाउन आएगा तो मार्केट वापस डॉलर रहने नीचे जाएगा, और डॉलर नीचे जाएगा, डॉलर अगर सस्ता हो जाएगा तो ऑब्वियसली यूएस मार्केट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, और इंडियन मार्केट के लिए भी अच्छा है। यस, क्योंकि हम इम्पोर्टर्स है। तो डॉलर और यील्ड्स का ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट में तेजी बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, मार्केट ओवरबॉट है, ओवरबॉट जोन में है, लेकिन ओवरबॉट जोन में भी जब तेजी का मार्केट रहता है तो ओवरबॉट में भी ओवरबॉट रह सकता है। अभी चार्ट्स देखते हैं। तो एसबीआई का चार्ट पहले देखेंगे। तो एसबीआई का चार्ट में देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और मार्केट इस सस्टेन हो रहा है। देखो, आज टेस्ट किया, वापस रिटेस्ट किया और ऊपर जा रहा है। ओवरबॉट है, ओवरबॉट है तो डर लगता है, ऑब्वियसली ओवरबॉट है कि डर लगता है नीचे ना आ जाए, लेकिन ओवरबॉट में भी मार्केट में ओवरबॉट रह सकता है। तो एसबीआई जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता, चांसेस है और तेजी आएगी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो एसबीआई बहुत बुलिश हूं मैं, शॉर्ट टर्म में भी एसबीआई बुलिश लग रहा है जब तक आज का लो नहीं ब्रेक होता। यस, आईसीआईसीआई बैंक मैं हैवी वेट्स देख रहा हूँ, और हम थोड़े मिड कैप्स भी देखेंगे, स्मॉल कैप्स भी देखेंगे थोड़े, जिसमें ब्रेकआउट आया है। तो आईसीआईसीआई बैंक में देखो, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, हमने यहाँ पे तेजी डिस्कस की थी, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर आया है, डोजी कैंडल बनाई है। तो सिंपल रखता हूँ, डोजी का लो ब्रेक करके नीचे जाएगा तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है, डोजी का हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो पॉसिबिलिटी है मार्केट और ऊपर जाएगा। ओके, तो सिंपल अगर हम रखेंगे तो देखो, यहाँ पे वापस मार्केट में आरएसआई सपोर्ट ले रहा है 50 लेवल्स। यस, हायर बॉटम बना रहा है और आरएसआई 50 लेवल्स पे, आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा, हिरन बुलिश डाइवर्जेंस है। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो आईसीआईसीआई बैंक में और तेजी आएगी। यस, लेट्स सी एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, हेवी वेट्स देखते हैं हम। और निफ्टी पे एक और बात मैं डिस्कस करना भूल गया, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक्सिस बैंक में देखो, ये ट्राइंगल बना रहा है, अगर एक्सिस बैंक में ये ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे ये लेवल क्या है, 1133, तो उसके बाद वापस रैली कंटिन्यू होने वाली है एक्सिस बैंक में। ओके, रिलायंस देखते हैं। तो रिलायंस में देखो, ट्रेंड चैनल में ऊपर आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया और वापस मार्केट ने आज ट्रेंड चैनल का सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर आ रहा है। यस, 1 2 1 2 मार्केट ऊपर जा रहा है, क्लियर ट्रेंड है। तो लेकिन रिलायंस में ये रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस जोन है। डेली पे तो क्लोज पॉजिटिव आया है, 13 डे मूविंग एवरेज को होल्ड किया है, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता रिलायंस में तेजी बरकरार रहेगी। यस, शायद ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है मार्केट, मैं शायद बोल रहा हूँ। यस, जब पैटर्न कंप्लीट होगा तभी उसको हम बोलेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट। ओके, निफ्टी में एक एक्चुअली चीज डिस्कस करना मैं भूल गया, वो मैं डिस्कस करता हूँ, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे देखो, आरएसआई ने हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिया है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या रहता है, तो देखो ये हायर बॉटम बनाया है, ये लो से, ये सारे लो से अगर हम कंपेयर करेंगे तो निफ्टी ने हायर बॉटम बनाया है, बराबर ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम चल रहा है। अभी ये नीचे आया मार्केट, एज कम्पेयर टू ये लो मार्केट ने हायर बॉटम बनाया, लेकिन आरएसआई क्या हुआ, तो आरएसआई ने लोअर बॉटम बनाया। ये देखो, यहाँ पे ये जो सारे बॉटम्स थे उसके नीचे गया आरएसआई, बराबर उसके नीचे गया। तो आप बोलेंगे आरएसआई नीचे गया तो बुलिश कैसे हो, इसको कहते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, यानी अप ट्रेंड में। ये अप ट्रेंड में आता है जब मार्केट हायर बॉटम बनाता है लेकिन आरएसआई लोअर बॉटम बनाता है, तो उसको बोलते हैं हिडन
बुलिश डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस देने के बाद मार्केट ने अपट्रेंड वापस दे दिया। यस, मार्केट आवरली चार्ट पे भी 13 आवर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। यस, तो अगर 13 आवर मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट और रैली कंटिन्यू होता है तो मार्केट नए हाई पे जाएगा। ओके, तो बाकी के अभी स्टॉक्स देखते हैं हम लोग। तो आलोक तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। ये एक चार्ट है एमएमटीसी, जो मैं पर्सनली बाय कर रहा हूँ। रिस्की स्टॉक है, तो अलोकेशन थोड़ा कम रखना। यहाँ पे देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मल्टी ईयर बेस बन रहा है, ब्रेकआउट आया था लेकिन वो फेल हो गया। यस, देखो ये मल्टी ईयर फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट कितने साल है, 2013 से, यानी 10 साल, 2023 चल रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है, अगर ये ब्रेकआउट आता है तो इसमें बहुत अच्छी रैली आ सकती है। तो वेव कॉन क्या बन रहा है, तो इसमें वेव कॉन मेरा अभी मैं गिन रहा हूं, ये वेव 1 और 2 हो गया। ओके, ये हो गया वेव 1 2, और अभी थर्ड वेव में ऊपर जा रहा है। थर्ड वेव में मार्केट ऊपर जा रहा है, तो चांसेस है बहुत ऊपर जाएगा ये स्टॉक। पर्सनली मैं बाय कर रहा हूँ ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में। मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, देखो ये 49 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट करूँ। यस, एनालिसिस फेल। तो थर्ड वेव चालू है एमएमटीसी में, अगर ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देना भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। और थर्ड वेव में कौन सा वेव चल रहा है, तो वापस यहाँ पे 1 और 2 हो गया, और वापस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यस, सो सिंपल एनालिसिस, ये अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड वेव बॉटम हो गया, और इंपल्स में रैली भी आ रही है, ये इंपल्स में रैली भी आ रही है, तो अगर ये सेकेंड वेव बॉटम हो गया तो अभी ये लो वापस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारी एनालिसिस रॉन्ग है, सिंपल। तो ये लो का स्टॉप लॉस है, और ऊपर जाने को बहुत सारी कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। एक्चुअली ये स्टॉक बहुत गिरते आ रहा है सालों से, हाँ सालों से गिरते आ रहा है, तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन 10 साल का ब्रेकआउट भी है इसमें, 10 साल का ब्रेकआउट भी, ब्रेकआउट पे आया है अब, पोटेंशियल ब्रेकआउट, अभी तक आया नहीं है ब्रेकआउट। यस, एक और स्टॉक है, दो तीन स्टॉक में डिस्कस करूंगा। तो एमएमटीसी हो गया, आलोक मैंने परसों डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज है, और तो ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज में भी देखो ब्रेकआउट आया है, ये देखो ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट, और फिर ये देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वापस, कितना, दिस इज 2010 साल का, वापस ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज में 10 साल का ब्रेकआउट आया है। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, इसके नीचे नहीं जाता, तो ये स्टॉक अच्छी रैली दे सकता है। इलियट वेव वाइज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वेव 1 2 और थर्ड वेव में मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। यस यस, तो कीप वॉच, ये ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए, डेली चार्ट देखते दे क्या है। तो ये लेवल है, ओके, इसको मैं डेली पे विजिबल कर देता हूं। ये लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, 123। यस, और मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज भी लगभग उसके आसपास ही है, तो ये स्टॉक रडार पे रखो। एक और स्टॉक है सुपेक्स, ये सारे रिस्की स्टॉक है, लेकिन ज्यादा एलोकेशन मत करो। मैंने ऑटो लाइन इंडस्ट्री में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टॉक एमएमटीसी में ले रहा हूँ, सुबेक्स में ले रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में। तो सुबेक्स में शायद थर्ड वेव आएगा, देखो ये फर्स्ट वेव, फिर ये सेकेंड वेव करेक्शन, और फिर अभी ये थर्ड वेव आ सकता है सुबेक्स में। यस, और देखो मार्केट रैली दे रहा है अभी, ये जो हाई है वो ब्रेक करके ऊपर जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये दो लेवल है, एक तो ये हाई 37 के आसपास, और ये 39 40 के आसपास, अगर उसके ऊपर जाता है तो थर्ड वेव में रैली आ सकती है सुबेक्स में। ये भी रिस्की स्टॉक है, अलोकेशन ज्यादा मत रखना। यस,
रिस्की स्टॉक में ज्यादा एलोकेट मत करो, लेकिन बुल मार्केट में सब स्टॉक चल जाते हैं। देखो जैसे 2020 के बुल मार्केट में चला था, वापस ये चल सकता है। यस ये भी रिस्की स्टॉक है, गिरते आ रहा है बहुत सारे सालों से, तो इसको ज्यादा मत एलोकेट करना। यस शायद ये बेस बना रहा है, तो ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। यस और फिर इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, देखो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ चुका है, इसमें यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ चुका है, उसके बाद वापस रिटेस्ट किया, मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। ये देखो अभी सिंपल ये लेवल स्टॉप लॉस रहेगा 31। यस 35 का रेट चालू है, तो 31 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर मार्केट मोमेंटम देता है तो अच्छी खासी रैली इसमें मिल सकती है। यूको बैंक में भी सिमिलर पैटर्न है, इसमें ये रहेगा स्टॉप लॉस 37 का, और अगर मोमेंटम देता है 41 के ऊपर, ये 41 के ऊपर मोमेंटम देना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये चार्ट में अभी तक बुलिश निशाना बाकी है, तो 41 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम इसमें मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। ओके फॉरेन मार्केट्स भी देखते हैं, हमने फॉरेन मार्केट डिस्कस नहीं किए, तो डाव देखते हैं, डैक्स देखते हैं। तो डैक्स इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, देखो क्लियरली ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है। फॉरेन मार्केट्स क्यों देख रहे हैं भाई? अरे तो आप बोलेंगे यूरोप यूरोप में रिसेशन आएगा, यूएस में रिसेशन आएगा, मार्केट गिरेगा, ये तो ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट पे। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, तो क्या नीचे आएगा? चांसेस शॉर्ट टर्म में एक डिप आ सकती है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। ओके डाउ देखते हैं, तो डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं। डाउ फ्यूचर में ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, ये देखो डाउ फ्यूचर में ये ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर डाउ फ्यूचर में ब्रेकआउट आ चुका है, तो क्या रैली सस्टेन होगा? ओवरबॉट जोन में है, तो देखते हैं रात को क्या होता है। यस अगर सस्टेन होता है तो अच्छी वापस रैली आएगी, और डाउ जोन्स देखते हैं। तो डाउ में भी देखो ब्रेकआउट तो आया है प्रीवियस हाई के ऊपर, ब्रेकआउट देखो क्लियरली ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है। ये ऑल टाइम हाई पे अभी तक नहीं है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई आना बाकी है, बट ओवरऑल मोमेंटम तो स्ट्रांग है, तो कंटिन्यू हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट का कुछ भी जो भी इसी आउटकम होता है, मीन्स डिसीजन कुछ भी आए उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट करेगा वो इम्पोर्टेंट है। तो बेरिशनेस को तो दिखा नहीं रहा कोई भी यूरो, ना तो डाव यस ना तो डॉलर देखा हमने, तो लेट्स सी कल क्या होता है। सिंपल 2870 के नीचे गया तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में फॉल आएगा, शॉर्ट टर्म में मेरी एनालिसिस रॉन्ग है, मैं एक्सेप्ट करूं 2870 का लेवल। यस सिंपल रखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और डेफिनेटली अगर आपको इलियट वेव सीखना है तो आप हम सीख सकते हैं, हम सिखा रहे हैं इलियट वेव बहुत ही लो प्राइस पे। यस इलियट वेव प्राइस एक्शन दोनों सिखाते हैं हम लोग, आपको प्राइस एक्शन सीखना है प्राइस एक्शन का कोर्स कर सकते हो 599 में, इलियट वेव सीखना है तो 1111 में कर सकते हो, दोनों सीखना है तो दोनों हम दे रहे हैं 1149 इलियट वेव प्राइस पर, मैं दोनों यूज करता हूँ इलियट वेव प्राइस एक्शन, दोनों सीखना है तो आपको 1149 में मिल रहा है, यू कैन डेफिनेटली लर्न, फ्री कोर्स है, फ्री का कोर्स भी आप कर सकते हो। यस तो आई होप आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, कीप लविंग कीप शेयरिंग कीप लर्निंग विद अस। यस थैंक यू। यस और देखते हैं क्या होता है कल, कल क्या होता है देखते हैं। सो आई होप दिस वॉज इंसाइटफुल एनालिसिस, प्लीज शेयर। ओके दैट्स इट एंड लेट्स मीट ऑन वीकेंड नाउ। यस कीप लविंग कीप शेयरिंग, दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।